हेलो बच्चों, मैं मनीष आप सभी का स्पेस विद्यालय के ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास सेकेंड की है, जिसमें हम मैथ पढ़ेंगे, जिसमें चैप्टर पहला होगा और आज का चैप्टर है रिकैप। रिकैप का क्या मतलब होता है बच्चों? रिकैप का मतलब होता है पीछे देखना। ठीक है, पीछे देखने का क्या मतलब है? जो चीज़ें आपने क्लास फर्स्ट में पढ़ी हुई हैं वो चीज़ें आपको याद है कि नहीं है, उसी का हम आज विश्लेषण करेंगे, उसी को आज हम देखेंगे। ठीक है, तो बच्चों आज की अगर हमारी मैथ की क्लास है तो आपको पहले तो 100 तक गिनती आनी चाहिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरीके से आपको गिनती आनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर आता होगा। तो आप पहला काम लिख लेंगे, आप यहाँ पे पहला काम लिखेंगे, आपका पहला ही होमवर्क मैं पहले ही दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोग लास्ट वीडियो देखेंगे नहीं, तो मैं पहले ही लिख दे रहा हूँ। ठीक है, पहला होमवर्क आपका, पहला होमवर्क ठीक है, ये है राइट वन टू हंड्रेड आपको नंबर लिखना है। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 ऐसे लिखना है, 1 2 3 ऐसे करके। ठीक है, ये आपका होमवर्क होगा, इसे आप कॉपी भी जरूर लिखेंगे। ठीक है, आ जाओ अब हम अपने बुक से देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है, कैसे उन्हें सॉल्व करना है। आ जाओ बच्चों, आपके पास ये बुक मिली होगी, ये वाली बुक आपके पास होगी। ठीक है, इस बुक को आप ओपन करेंगे, पेज नंबर 7 पे आएंगे तो वहाँ पे आपको पहला चैप्टर मिलेगा। ठीक है, तो पहले चैप्टर में लिखा हो राइट द मिसिंग नंबर। मिसिंग का क्या मतलब होता है बच्चों? मिसिंग का मतलब होता है गायब। ठीक है, तो मिसिंग का मतलब है गायब। अभी आप देखिए, आपको यहाँ दिख रहा होगा राइट द मिसिंग नंबर, मिसिंग नंबर जो गायब हुए हैं उनका नंबर लिखना है, भरना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 1 और यहाँ पे क्या दिया हुआ है 10, तो मतलब कि इस लाइन में आपको 1 to 10 काउंटिंग नंबर लिखना है। ठीक है, जैसे 1 है यहाँ पे, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, अब यहाँ पे 21 दिया हुआ है, तो अब 11 ट गायब हो गया, वो आपको नहीं लिखना है। ठीक है, आपको 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, ये बच्चों में बता, आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि आपको ऐसे लिखना है। ये लिखवा क्यों नहीं रहा हूँ? क्योंकि आपने फर्स्ट में इस चीज़ को पढ़ चुके हैं, तो बार बार एक ही चीज़ करवाने का और टाइम पास करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, फिर बच्चों आपको यहाँ 41 है, तो यहाँ 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ऐसे लिखेंगे। फिर बच्चे यहाँ पे 51 वाला कॉलम गायब है, 61 62 63 64 65 67 68 69 70 ऐसे करके आप भर लेंगे। फिर इसी तरह 81 का लाइन, 91 का लाइन, ठीक है, 101 131 151 171 191 का लाइन पूरा भर लेंगे। बात समझ आ गई? ये आपको आता होगा, आपने ज़रूर पढ़ रखा होगा, आपको रिकैप करना है, इसमें भरना है आपको। बात समझ आ गई? तो इसे आप खुद भरेंगे। बात समझ आ गई? ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आ जाओ बच्चों, इसमें लिखा हुआ है राइट द नंबर नेम्स फॉर द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन 2 में लिखा हुआ बच्चों कि ये जो नंबर्स आपको दिए गए हैं, ठीक है, इनका नेम लिखना है, इनका नेम लिखना है। नेम का क्या मतलब होता है बच्चों? जैसे अगर मान लीजिए आप कहीं जाते हैं तो आपका नाम पूछा जाएगा, तो आप कहेंगे गोलू, ठीक है, आप कहेंगे रोहन, आप कहेंगे मोहन, आप कहेंगे सोहन। ठीक है, जो आपका नाम होगा आप बताएंगे, तो इस नंबर को आप क्या कहते हैं वही आपको लिखना है। ठीक है, जैसे ए लिखा हुआ है, ए में ये नंबर लिखा हुआ है, दूसरा का मैं ए लिख के बता रहा हूँ, का दूसरा का ए पॉइंट, ठीक है, लिखा हुआ है 4। अब ये कौन सा नंबर है बच्चों? तो आप इसके सामने लिखेंगे 4, FOUR, ये 4 लिखा हुआ था तो आपने 4 लिख दिया। अगर नंबर है बी पार्ट में लिखा हुआ 30, तो वो क्या लिखेंगे? इसे क्या पढ़ते हैं? 30, THIRTY, 30 हो गया। ठीक है, तो ऐसे लिख लेंगे। सी पार्ट है बच्चों आपका 8, इसको क्या पढ़ेंगे? 8, तो क्या क्या लिखेंगे? EIGHT, ठीक है, ठीक है। फिर क्या है बच्चों? डी पार्ट क्या लिखा हुआ है? डी पार्ट लिखा हुआ ये 4, ठीक है, इसको क्या पढ़ते हैं आप? लिखते हैं 44, FOURTY, 44, FOUR, 44,
ये तो पढ़ते हैं, ठीक है। ई ऑप्शन पे क्या लिखा हुआ बच्चों, ई में लिखा हुआ है ये 1313, क्या पढ़ते हैं आप इसको 13, क्या बोलते हैं 13, ये बच्चों 30, ये है 13, टी एच आई आर टी डबल ई एन 13, ठीक है। आ जाओ एफ नंबर पे, एफ पे आ जाओ, लिखा हुआ 65, क्या पढ़ते हैं आप इसको 65, क्या बोलते हैं 65, एस आई एक्स टी वाई एफ आई वी ई, इसे बोलते हैं 65, ठीक है। जी पे आ जाओ बच्चों, जी नंबर पे क्या लिखा हुआ है, जी पे लिखा हुआ है 18, क्या पढ़ते हैं आप इसको, आप कहेंगे 18, ई आई जी एच टी डबल ई एन 18, ठीक है। एच नंबर पे आ जाओ बच्चों, एच में क्या बोलते हैं, एच में लिखा हुआ है 73, ये क्या है 73 लिखा हुआ है, तो इसको भी इंग्लिश में लिखना है, नेम इसका लिखना है, तो आप कहेंगे एस ई वी ई एन टी 73, टी एच आर डबल ई 73 हो गया। आई नंबर क्या लिखा हुआ बच्चों, आई नंबर लिखा हुआ है 28, ये क्या लिखा हुआ बच्चों, ये क्या लिखा हुआ है, आप कहेंगे 28, टी डब्ल्यू ई एन टी वाई 20, ई आई जी एच टी 28, बात समझ में आ गई। तो ऐसे ही बच्चों आपका अगला लिखा हुआ है जे नंबर में, जे में लिखा हुआ है 100, इसको क्या बोलते हैं बेटे 100, ठीक है, इसको आगे लिखेंगे एच यू एन डी आर ई डी 100, बात समझ में आ गई। तो ऐसे ही आपको पढ़ना है, तो बच्चों ऐसे ही आपको लिखना हुआ आगे है, ठीक है। तो आप धीरे धीरे इसे कर रहे होंगे, मैं आपको कुछ लिख के दिखा देता हूँ, मैं आपको आप 1 से लेकर 100 तक खुद लिखेंगे, ठीक है। आपका एक और होमवर्क, होमवर्क नंबर 2 है, दूसरा होमवर्क है कि 1 to 100 लिखना है आपको, 1 to 100 इंग्लिश में, किस में, इंग्लिश में नेम, इंग्लिश नेम लिखना है उनका, ठीक है। अब मैं आपको 100 से अबव में लिखवा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपका ये सब कवर हो जाए उसमें, ठीक है। तो आप इस होमवर्क को नोट करिए, आप इसे भी नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, बाकी आपका हम खुद करेंगे, आप इसे नोट करिए, मैं आगे लिखवा रहा हूँ आपको, आप इसे नोट कर लीजिएगा। तो चलो बच्चों कुछ नंबर्स के हम नेम लिख लेते हैं, ठीक है, 100 से अबव जो होते हैं, 1 to 100 आपको खुद लिखना है, मैं 100 से अबव उनको कुछ नंबर लिखवा दे रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। आ जाओ पढ़ो बच्चों, ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, पढ़िए आप इसे, पहले खुद पढ़ेंगे फिर मैं लिखवा रहा हूँ। तो आप बच्चों इसे कहेंगे 101, क्या कहेंगे इसे, 100 ओ एन ई 101, ओके। ये क्या लिखा बच्चों, 102, ठीक है, इसका क्या पढ़ेंगे, 102, क्या है वो 102, ठीक है। अगला लिखेंगे 103, ये क्या है, 103, ठीक है। आगे आ जाओ 104, ये क्या लिखा बच्चों, 104, वन की स्पेलिंग क्या है बच्चों, ओ एन ई, 100 की स्पेलिंग क्या है, एच यू एन डी आर ई डी, ठीक है। फोर की स्पेलिंग एफ ओ यू आर, आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। 105 की स्पेलिंग क्या होगी बच्चों, इंग्लिश में क्या होंगे,
105, क्या कहेंगे 105, ठीक है। 106 को क्या कहेंगे 106, क्या कहेंगे 106। ये क्या बच्चों 107, क्या कहेंगे इसको 107, क्या कहेंगे 107। आ जाओ बच्चों 108, क्या बोलेंगे इसे 108, EIGHT, ठीक है, आपको दिख रहा होगा यहाँ तक। आगे चलते हैं बच्चों, यहाँ पे लिखता हूँ, अब इसको आप किनारे कर देंगे। ये क्या लिखा हुआ 109, क्या लिखा हुआ है 109, NINE, ओके। ये क्या लिखा हुआ बच्चों 110, क्या कहेंगे इसको 110, ठीक है। अब आगे आ जाओ बच्चों, ये क्या लिखा 111, इसका क्या पढ़ेंगे 111, ठीक है। ये क्या है बच्चों 112, क्या पढ़ेंगे इसे 112, लिखेंगे 112, TWELVE, 112। ये क्या लिखा हो बच्चों, कहेंगे 113, THIRTEEN। आप ऐसे ही कॉपी पे नोट करेंगे, बार बार इसे पढ़ेंगे ताकि धीरे धीरे आपको याद हो जाए, ठीक है। आप अभी छोटे इसलिए लिखवाना पड़ रहा है, ठीक है। आ जाओ ये क्या लिखा 114, इसे क्या पढ़ेंगे बच्चों, तो आप कहेंगे 114, ठीक है। ये क्या होगा बच्चों 115, क्या होगा 115, FIFTEEN, 15, ठीक है। ये क्या लिखा हो बच्चों 116, यानी कि 116, ठीक है। ये क्या लिखा हो बच्चों, आप कहेंगे 117, ये क्या लिखा बच्चों, आप कहेंगे 118, EIGHT, ठीक है। तो आप इसे नोट करेंगे, आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो बच्चों थोड़ा सा और देख लेते हैं इसमें, ठीक है। 118 तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, अब आ जाओ ये क्या लिखा हुआ है 119, क्या पढ़ेंगे इसको 119, NINETEEN, 19, ठीक है।
ये क्या बच्चों 120, ये क्या पढ़ेंगे इसको 120, TWENTY, ठीक है। आ जाओ 121, क्या पढ़ेंगे इसको 121, बात समझ आ गई। अब थोड़ा सा आपको लंबा लिखना पड़ेगा, आ जाओ 122, क्या पढ़ेंगे बच्चे इसको 122, ठीक है। आपको सब धीरे धीरे समझना पड़ेगा 123, क्यों क्या पढ़े 123, आगे लिखते हैं बच्चों 124, क्या पढ़ेंगे इसको 124, ठीक है। ये क्या लिखा बच्चों 125, क्या पढ़ेंगे इसको 125, ठीक है। ये क्या लिखा बच्चों, आप कहेंगे 126, ठीक है। थोड़ा सा और लिख लेते हैं 127, क्या पढ़ेंगे इसको, कहेंगे 127, इसको क्या पढ़ेंगे, कहेंगे 128, इसको क्या पढ़ेंगे 129, इसको क्या पढ़ेंगे 113, ठीक है। इसको क्या पढ़ेंगे 131 को आप कहेंगे 131, ठीक है। इसको क्या पढ़ेंगे 132, इसको क्या पढ़ेंगे 133, इसको क्या पढ़ेंगे 134, इसको क्या पढ़ेंगे 135, ठीक है। तो बच्चों इसे ध्यान देंगे, मैं इसको एक बार आपको पढ़ा दे रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए ये चीज़, आपको पूरा दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है, तो इस बार इसको पढ़ लेते हैं। ये क्या लिखा बच्चे 119, क्या पढ़ेंगे इसको 119, ये बच्चों आपको ये तो पता होगा 19 लिखा हुआ तो उसमें 100 जोड़ दो, 119, 120, 121, ये 21 आपको दिख रहा होगा उसमें 100 जोड़ दो 121, ये 22 दिख रहा है 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, ठीक है।
तो बच्चों आज के लिए हम इसको यहीं तक पढ़ेंगे, फिर अगली क्लास में 135 से मैं आगे आपको लिखवाऊंगा, आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो बच्चों आगे आ जाते हैं, आपके बुक में क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, मैच द नंबर्स विद देयर नेम्स। ठीक है, मतलब कि इन नंबर्स को, इन नाम वाले नंबर्स को इनके असली नंबर से मैच करना है। ठीक है, आ जाओ देख लेते हैं। लिखा हुआ ई आई जी एच टी ई ई एन, क्या है 18। अब बताओ बच्चों आपको खोजना पड़ेगा इसमें से 18 कौन सा है, ये क्या है 12, ये है 20, ये है 14, ये है 17, ये है 15, ये है 19, ये है 11, ये है 18। ठीक है, तो आपको मिल गया, तो आपको इस 18 को मैच करना है किससे, इस 18 से। बात समझ आ गई, ये आपका मैच हो गया। ठीक, आगे बढ़ो 14, अब इसमें ढूंढो 14 कहाँ है, तो आपको मिलेगा यहाँ पे 14, तो आप इसको मैच करेंगे इस 14 से। बात समझ में आ गई इस तरीके से। ठीक, 15 लिखा हुआ है, तो 15 को मैच करो बच्चे, तो 15 का यहाँ पे है आपको 15, आपको देखिए यहाँ पर मिल गया, ये देखो मैच हो गया। ठीक है, 12 लिखा हुआ है, 12 कहाँ पर मिलेगा आपको, 12 आपको यहाँ मिल रहा है, तो आप ऐसे लेकर जाएंगे 12, इसको मैच कर लिया आपने। ठीक, 13 कहाँ पर है, 13 आपका यहाँ पर है, तो इस 13 को यहाँ पर मैच कर लीजिए, ऐसे पढ़ पढ़ कर मैच करेंगे अपने मम्मी पापा की सहायता से। 16 कहाँ पर बच्चों, इसमें 16 कहाँ पर है आपका, 16 देखो यहाँ पर है, तो इसको यहाँ से मिलाएंगे 16 ऐसे। 19 कहाँ पर है बच्चों, 19 देखेंगे, तो 19 आपको यहाँ पर मिल रहा है, तो 19 को आप यहाँ पर मिला देंगे। 20 पे आएंगे, 20 कहाँ दिख रहा है बच्चों आपको, तो 20 आपको यहाँ दिख रहा है, तो इस 20 को यहाँ पे ले आके मिला देंगे ऐसे। 11 कहाँ पे दिख रहा है बच्चों, तो आप खोजेंगे 11 कहाँ है, 11 यहाँ पे आपको मिल गया, तो इस 11 को आप इससे मिलाएंगे ऐसे मिलाएंगे। फिर बच्चा 17, आपको जो 17 कहाँ दिख रहा है, 17 यहाँ पर दिख रहा है, तो आप ऐसे मिला लीजिए 17, ये आपका बच्चों पूरा मैच हो गया। तो बच्चों आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं इस टाइप का, आपको उसे ही मिलाना होगा, आप इसे नोट कर लीजिए। तो बच्चों अभी आपने जो चीज़ पढ़ा है उसी का ये होमवर्क है। ठीक है, तो आपको इसके नेम को इसके सही नंबर से मैच करना है। ठीक है, जैसे
लिखा हुआ 26, तो आप इसमें ढूंढेंगे कि 26 कहाँ का है, उसे फाइंड करके इससे मैच कर देंगे। 13 कहाँ पर है उसे आप लेके मैच कर देंगे। बात समझ आ गई? तो ऐसे ही आपको मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ इधर क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है 26, 13, 21, 29, 15, 37, 33, 42, 28, 25। अब इन नामों वाले नंबर्स को आपको यहाँ पर लाके मैच करना है। बात समझ आ गई? तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो बच्चों, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और चीज़ों को ध्यान से देखते हैं। एक चीज़ आप समझेंगे, जैसे मैं कह दूं एक इस साइन के बारे में आपको जानना है, एक इस साइन के बारे में आपको जानना है और एक इस साइन के बारे में आपको जानना है। बस समझ आ गई? ये दोनों साइन बच्चों एक ही है, बस घुमा घुमा के लिख दिया गया है, घुमा घुमा के बना दिया गया है। तो बच्चों एक बात ध्यान रखिए आप तो एक बात आप ध्यान रखिए कि जिधर ये मुंह ओपन है, जिधर इसका माउथ ओपन है, उधर हम ग्रेटर वैल्यू लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ग्रेटर वैल्यू, ग्रेटर वैल्यू लिखेंगे। और जिधर माउथ क्लोज्ड है उधर हम लिखेंगे स्मॉलर वैल्यू, स्मॉलर वैल्यू। बात समझ आ गई? सेम काम इसमें भी करेंगे। इधर क्या लिखेंगे? ग्रेटर वैल्यू। इधर क्या होगा? ग्रेटर वैल्यू। जिधर मुंह ओपन उधर हम ग्रेटर वैल्यू, और जिधर माउथ क्लोज्ड है उधर हम क्या लिख लेंगे? स्मॉलर वैल्यू, स्मॉलर वैल्यू। ठीक है? और ये इक्वल का साइन है, बराबर का साइन है, तो इधर भी जो नंबर इधर रहेगा सेम नंबर इधर भी होगा और सेम नंबर इधर भी होगा। बात समझ आ गई? तो ऐसे ही आपको आपके क्वेश्चन 4 में आपको यही चीज़ भरना है। ठीक है? जिधर माउथ ओपन है उधर ग्रेटर वैल्यू, जिधर माउथ क्लोज है उधर स्मॉलर वैल्यू। बात समझ आ गई? इधर माउथ क्लोज है तो इधर स्मॉलर वैल्यू, इधर माउथ ओपन है तो ग्रेटर वैल्यू। और ये इक्वल का साइन है, मतलब कि जो चीज़ इधर होगी वही चीज़ इधर भी होगी, मतलब कि दोनों इक्वल होंगे आपस में। तो बच्चों आप इसको अपने कॉपी में बना लीजिए, ठीक है, ताकि आपको याद रहे हमेशा के लिए। फिर मैं आपको इस पर क्वेश्चन करवाता हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए। चलो बच्चों, आपके बुक में पेज नंबर 9 पर, ठीक है, लास्ट में लिखा हुआ है कंपेयर द नंबर्स एंड राइट दिस। बात समझ आ गई? मतलब कि जो नंबर बड़ा होगा उसको आपको ये साइन बनाना है, जो नंबर छोटा होगा आपको ये साइन बनाना है, जो नंबर इक्वल होंगे आपको ये साइन बनाना है। ठीक है? तो बच्चों आपका लिखा हुआ है ए नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है 21, और इसमें आपको फिल करना है इन तीनों में से, और इधर भी लिखा है 21। अब ये बड़ा है या ये बड़ा है, ये ग्रेटर है या ये ग्रेटर है, ये स्मॉलर है या ये स्मॉलर है, ये आपको आना चाहिए। तो बच्चों देखो, जैसे आप अगर आप गिनती पढ़ते हो, ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है, तो जो नंबर जितना लेट आता है वो नंबर बड़ा होता है, वो नंबर ग्रेटर होता है। जैसे मैं कह दूँ 1 और 2 में ग्रेटर कौन सा है, तो 2 बाद में आया, 2 लेटर में आया, तो वो ग्रेटर होगा। बात समझ में आ गई?
जो जो देर से आएगा वो बड़ा होगा, ये मान के चलेंगे आप। जैसे 1 और 40, 1 और 40, ठीक है, मैं कह दूँ कौन सा बड़ा है, तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ऐसे करते करते जब आप पढ़ेंगे तो 40 आएगा बाद में, तो 40 क्या होगा वहाँ पर, बड़ा होगा इन दोनों नंबर्स में। बात समझ में आ गई। फिर मैं कह दूँ 15 और 30 में कौन बड़ा है, तो आप कहेंगे कि सर जब हम जब गिनती पढ़ते हैं तो 30 जो होता है, ठीक है, वो लेट में आता है, तो हमारा 30 क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों मैंने बताया कि 21 और 21, ये भी 21, ये भी 21, तो ये दोनों क्या है, इक्वल है, बराबर है, तो आप यहाँ पर निशान लगाएंगे, साइन लगाएंगे इक्वल का। बात समझ में आ गई बच्चों। ये है 18, ये है 9, ये है 18, ये है 9। अगर आप गिनती पढ़ते हैं, गिनती गिनेंगे तो पहले 9 आ जाएगा, बाद में कौन आएगा, 18 आएगा, तो जो बाद वाला होगा वो बड़ा होगा, जो लेट में आएगा वो कौन होगा, बड़ा होगा, और फिर जो ग्रेटर होगा तो हम साइन कौन सा लगाएंगे, ये वाला, ठीक है। 18 हमारा ग्रेटर है, तो इसकी तरफ हम माउथ क्या रखेंगे, ओपन रखेंगे, और इसकी तरफ क्लोज। 9 छोटा है, 9 स्मॉलर है, तो हम इसकी तरफ क्लोज रखेंगे, और 18 बड़ा है तो इसकी तरफ हम ओपन रखेंगे। बात समझ में आ गई। ये लिखा बच्चों 89, ये लिखा हुआ 98, बताओ बच्चों लेट में कौन आएगा, 89 या 98, तो आप कहेंगे सर 98 लेट में आएगा, ठीक है, बाद में आएगा। तो इसका मतलब ये ग्रेटर है, ये स्मॉलर है, और ग्रेटर के लिए हम कौन सा साइन लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे, इसकी तरफ माउथ क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे, इसकी तरफ माउथ ऑटोमेटिक क्लोज्ड हो जाएगा। बात समझ में आ गई। इसी तरह बच्चों इसमें आ जाओ 20 और 46, कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा, तो आप कहेंगे सर 20 पहले आएगा, 46 बाद में आएगा, ठीक है। तो 46 हमारा क्या हुआ, ग्रेटर, तो हम इसकी तरफ माउथ क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे, हो गया हमारा काम। ऐसे लिखा हो जो 79 और 99, ठीक है, ये आप बढ़ा लेंगे, 99 लिखा हुआ है, अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो 99 हो गया ये। तो बताओ बच्चे ये ग्रेटर या ये ग्रेटर, कौन सा ग्रेटर, तो आप कहेंगे सर 79 पहले आ जाएगा, 99 बाद में आएगा, और जो बाद में आता है वो क्या होता है, ग्रेटर होता है, तो हम कहेंगे सर लीजिए ये हो गया हमारा ग्रेटर। बात समझ में आ गई। फिर मैंने कहा 14 ये है, ये 40 है, तो बताओ बच्चों जब आप गिनती गिनेंगे तो लेट में कौन सा आएगा, कहेगा 14 पहले आ जाएगा, 40 बाद में आएगा, तो हमारा ग्रेटर कौन सा होगा, बच्चों 40 होगा, तो जो ग्रेटर होगा उसकी तरफ आप माउथ क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे, ये हो गया जी बच्चों आपका आंसर। बात समझ आ गई, आप इसे नोट कर लीजिए। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में आपके ए से लेकर एल तक क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है, जिसमें मैंने एफ तक बता दिया है। पेज नंबर 10 पर आपको कुछ क्वेश्चन इस टाइप के और दिख रहे होंगे, देखो जी एच आई जे के एल, ये 6 क्वेश्चन आपको और दिख रहे हैं, 6 क्वेश्चन, तो इन्हें आप खुद सॉल्व करेंगे। बात समझ आ गई, जैसे मैंने बताया है वैसे आप खुद सॉल्व करेंगे, अगर आपको नहीं आता है तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो बच्चों आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में हम फिर कुछ नया पढ़ेंगे, जो आपके आगे के क्वेश्चन हैं हम उन्हें सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन बच्चों जो आपको पढ़ाया जा रहा है, आपका होमवर्क ये है कि आप उसे सही तरीके से पूरा करिए, ताकि आपका कोई भी चीज़ छूटे नहीं। बात समझ आई, जो भी आपको होमवर्क दिया जा रहा है उसे ज़रूर पूरा करें, ठीक है। तो चलो बच्चे मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को कैरी ऑन रखिए, अपने घर पर रह के पढ़ाई करिए।